जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं संचित सक्सेना। भाई आज है मेरे सामने यहां पे टाटा सफारी डार्क एडिशन XZA+ ऑप्शनल। भाई गाड़ी का वॉक अराउंड मैं पहले से ही बना चुका हूं। आज हम इस गाड़ी को चलाने वाले हैं, देखेंगे एडास के फीचर्स हम कितने प्रैक्टिकली यूज़ कर पाते हैं, और इसके साथ गाड़ी में भाई क्या प्राइस है, कितने उस पर ये गाड़ी आ रही है, ये भी मैं आपको बताऊँगा। तो हो सकता है मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँ कॉन्टैक्ट नंबर, आप वहाँ से बात कर सकते हो। अब आपको सबसे पहले गाड़ी का इंजन बताता हूँ। भाई यहाँ पे 2000 सीसी का हमें क्रायोटेक इंजन मिल रहा है, जिसका पावर 170 पीएस है, और टॉर्क जो ये गाड़ी दे रही है 350 न्यूटन का गाड़ी टॉर्क दे रही है। इसके साथ गाड़ी का व्हील बेस देखो, व्हील बेस अगर मैं बात करूँ तो 2741 mm का हमें व्हील बेस देखने को मिल रहा है कुछ इस तरीके से। भाई रेड एलिमेंट्स कैलिपर पर हमें देखने को मिल रहे हैं रेड डार्क एडिशन में, और अंदर से तो भाई गाड़ी है ही लाजवाब। तो ये कुछ ट्राई एरो का थीम कुछ ऐसा हमें देखने को मिल रहा है। तो जल्दी से चलते हैं, फटाफट देखते हैं भाई गाड़ी चलने में कैसी है। तो चलो इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले एक बार गाड़ी का टॉर्क को एक्सपीरियंस करते हैं। तो ये यहाँ पे इसको किया मैंने डी पे, देखते हैं गाड़ी अब कैसी है चलने में। तो सिंपल ये देखो भाई, मैं अभी गाड़ी को इको मोड पे चला रहा हूँ। तो पॉइंट यही है कि पहले नॉर्मल इको मोड पे देखते हैं चलने में गाड़ी है कैसी। सबसे पहले एक SUV होने की वजह से जो एक प्लस पॉइंट इस गाड़ी को हो रहा है ना, वो यहाँ पे ये मिल रहा है कि बोनट, एंड टू एंड बोनट हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है। साथ ही साथ गाड़ी चलने में काफ़ी स्मूथ है। एडास पे आएंगे, एडास पे हम लास्ट में बात करेंगे कि एडास में क्या क्या फीचर्स हैं, कैसे काम कर रहे हैं। तो ये पहला एक पॉइंट हुआ। दूसरा, गाड़ी के सस्पेंशन, अगर मैं सस्पेंशन की बात करूँ तो यस, इंडिपेंडेंट सस्पेंशन हमें फ्रंट एंड रियर में देखने को मिल रहा है। तो ये कुछ रहेगा स्टेयरिंग। भाई स्टेयरिंग लिटरली टाटा सफारी का ना स्टेयरिंग बहुत स्मूथ है, मतलब बहुत लाइट स्टेयरिंग है। लग ही नहीं रहा मैं मतलब अभी कितना 70 पे गाड़ी चला रहा हूँ, मेरे को फील ही नहीं हो रहा ये गाड़ी अभी 70 पे चल रही है। तो स्टेयरिंग बहुत लाइट है। एक बार मोड को चेंज करते हैं। तो यहाँ पे सिंपल किया, इस मोड को चेंज किया सिटी में, सिटी मोड पे किया, तो स्टेयरिंग की जो स्टिफनेस है ना थोड़ी सी हार्ड हो जाएगी, बाकी थोड़ा बहुत पावर टॉर्क में भी वेरिएशन रहेगा। तो ये रहा, अब गाड़ी को रोकते हैं। तो ऑटो होल्ड आप देख सकते हो यहाँ एक्टिवेट हो गया है, ग्रीन कलर का सिंबल आया है। ऑटो होल्ड एक्टिवेट होने से क्या होगा, क्रीप फंक्शन हमारा अब डिसेबल हो गया है। तो सिंपल डी मोड पे कार है, मैंने यहाँ पे ब्रेक से पैर हटाया। तो ये दिस इज़ द ब्यूटी, आप देख सकते हो ऑटो होल्ड एक्टिवेट है, ये पार्ट यहाँ पे ख़त्म। अब हल्का सा मैं रेस दूंगा तो ये क्रीप फंक्शन यहाँ पे एक्टिवेट हो जाएगा। तो ये देखो आप, ये यहाँ पे देख सकते हो हल्का सा मैंने रेस दिया तो ये देखो गाड़ी चल पड़ी। तो अब मेरे को ब्रेक पे पैर ही रखना पड़ेगा, फिर से ये ग्रीन कलर की लाइट आ गई। तो ये है कुछ ऑटो होल्ड, ट्रैफिक क्लियर हो गया। अब मैं एक बार स्पोर्ट्स मोड ऑन कर रहा हूँ। तो ये है यहाँ पे बटन, स्पोर्ट्स मोड ऑन किया। अरे भाई साहब क्या हो गया, ये भाई गोली है स्पोर्ट्स मोड में, ये भाई साहब टॉर्क दे दिया। गाड़ी है क्या ना असल में टाटा सफारी, ये स्पोर्ट्स मोड में ही पता लग गया। ये देखो भाई कुछ इस तरीके से ये गाड़ियाँ चल रही है। ट्रैफिक साइन रिकॉग्निशन आ गया, पीछे अभी गया है ना वो 80 की स्पीड लिमिट है, तो भाई स्पीड लिमिट पे ही रखते हैं हम, बहुत ज़रूरी है ध्यान से गाड़ी चलाना। ये जस्ट एक अभी भी आपको मैं बता दूं, सोशल अवेयरनेस के लिए ये हो रहा है कि गाड़ी चलने में कैसी है। कोई अपना ऐसा इंटेंशन नहीं है कि मैं गाड़ी को भगा के दिखाऊँ, रेस लगा के दिखाऊँ, कुछ नहीं ऐसा। ठीक, जैसा एक नॉर्मल कस्टमर गाड़ी चलाता है अपन वैसी गाड़ी चलाते हैं। ये पार्ट आराम से गाड़ी को यहाँ पर रोका रेड लाइट पर। चलने में भाई अल्टीमेट कार है, प्लस काफ़ी अच्छा कन्वीनियंस दे रहा है। इसके साथ एक पॉइंट और है, जैसा अभी ये यहाँ पे आप देख सकते हो ट्रैफिक लाइट पे हूँ तो 360 डिग्री मैं ऑन कर सकता हूँ। फ़ायदा क्या हो रहा है, इसको मैं 3D पे अगर देखूंगा ना, जितनी गाड़ियाँ खड़ी हैं ये देखो, एक ना मेरे को इमेज आ रही है कि कितना गैप है। तो कल को मैं कंजस्टेड ट्रैफिक में हूँ या बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक में कहीं राइट या लेफ्ट कर रहा हूँ ना गाड़ी, मेरे को ये फीचर हेल्पफुल करने वाला है। ये देखो क्लियरली सारी चीज़ें दिख रही हैं, तो बढ़िया है यार। इसका 360 डिग्री का जो कैमरा है ना, ये मैं मानूंगा भाई, ये देखो कितना सही लग रहा है, देख रहे हो, अल्टीमेट मज़ा आ गया। तो अब इसको ऑफ करते हैं यहाँ से, बस ये हुआ। ऑटो होल्ड ऑन है, ब्रेक से पैर हटाया जाए, सिंपल आप देखो ब्रेक से पैर हटाए, डी मोड पे गाड़ी है। अब रेस दिया, फिर से गाड़ी शुरू, स्पोर्ट्स मोड में गाड़ी है। अब देखते हैं आगे, इस पूरे ट्रैफिक के अंदर अगर मैं बात करूँ सिटी के अंदर ना, आपकी ये गाड़ी टाटा सफारी रेड डार्क एडिशन अलग से दिखेगी, राइट। कोई ऐसी गाड़ी नहीं होगी भाई रोड प्रेजेंस के मामले में ना जो सफारी को टक्कर दे दे उस टाइम पे। एक ये आ रही है देखो यहाँ XUV700, ये गाड़ी चलती हुई आ रही है।
तो भाई 700 एडास आता है 700 में, ठीक है, एडास इसमें भी आता है, लेकिन इसमें एक फ़ायदा है, वो फ़ायदा दोस्त ये है कि ये गाड़ी जल्दी मिल जाएगी। 1 महीने का वेटिंग पीरियड है भाई, क्या चाहिए तो क्या हो रहा है समझ नहीं आ रहा, लेकिन ये टाटा सवारी आपको 1 महीने का वेटिंग पीरियड है भाई, ईजिली गाड़ी मिलेगी। नवरात्रे आ रहे हैं, मस्त अपना गाड़ी उठाओ, क्या दिक्कत है। बाकी टाटा का तो लोहा है ही भाई, दमदार लोहा बिल्कुल। तो ये पार्ट है, यहाँ पे रोकते हैं। अब मैं इस मोड को चेंज कर रहा हूँ। मेक श्योर भाई, एक मेरा पॉइंट है, जब भी इस गाड़ी की आप टेस्ट ड्राइव लो, तो ये जो ड्राइव मोड्स मैंने आपको दिखाए हैं ना, तो स्पोर्ट्स मोड लगाते टाइम खासकर आप गाड़ी को रोकना फिर लगाना। उसका रीज़न है, बेटर तरीके से आप गाड़ी को एक्सपीरियंस कर पाओगे। दूसरा, ये जो बिहेवियर चेंज हुआ था ना, जैसे शुरू में मैंने रेस दे दी एकदम झटके से RPM गया, वो मेरे लिए भी शॉकिंग था। तो हो सकता है, देखो अभी यहाँ पे हम लोग चला रहे हैं, ये थोड़ा ट्रैफिक कम है यहाँ पे, लेकिन हो सकता है जिस भी जगह आप टाटा के डीलरशिप पे हैं वहाँ पे ट्रैफिक ज़्यादा हो सकता है, तो उस पे दिक्कत हो सकती है भाई। तो हमेशा गाड़ी को साइड में लगाओ और तभी करो। मैं स्टेयरिंग को मूव करने में अल्टीमेट भाई मज़ा आ गया। तो ये पार्ट कुछ इस तरीके से देखने को मिल रहा है। अब बात करते हैं एडास की। तो गाड़ी को पहले साइड लगाते हैं, सेकेंड ड्राइवर मैं अपने साथ लेके आया हूँ, उनको बिठाएंगे, फिर देखेंगे एडास कैसे काम कर रहा है। सेकेंड रो में आ गए हैं। आपको मैं बता दूं, व्हील बेस गाड़ी का जो है ना वो 2741 mm का है। इससे फ़ायदा क्या हो रहा है भाई, लेग रूम जो है ना काफ़ी अच्छा है। आप ये देखो यहाँ पे स्पेस कितना अच्छा खासा हमें मिल रहा है, प्लस इसके विंडोज़ इतने ज़्यादा वाइड ग्लासेस है ना, प्लस फ़ायदा क्या हो रहा है भाई, केबिन काफ़ी रूमी है, बहुत बड़ा सा केबिन है। इसके साथ में ये पार्ट इसका देखो, तो ये सनरूफ आप यहाँ पे देख सकते हो, पैनारोमिक सनरूफ है, तो फुल साइज़ बिल्कुल, मज़ा आ गया देख के। और ये बॉस बटन अल्टीमेट यार, ये बॉस बटन ना देखो क्या है, लेग रूम मेरे को अगर बढ़ाना है तो सिंपल ये सीट हो गई आगे, क्या है इसको भी आप ऐसे कर सकते हो, दैट्स इट, सही है भाई बिल्कुल। अगर कोई शॉफर ड्रिवन कार है जिस पे ड्राइवर गाड़ी चला रहा है, आप पीछे बैठते हैं, तो परफेक्ट ऑप्शन है। आप यहाँ पे देख सकते हैं बॉस बटन का यूज़ कीजिए, अल्टीमेट। तो आप देखते हैं आगे, एडास ना क्या है, एडवांस ड्राइवर असिस्टेंस सिस्टम, ये बस आपको असिस्ट कर रहा है। ये नहीं है कि भाई इसी के भरोसे पे आप बैठ के बैठ जाओ और ये कि गाड़ी चलती रहेगी, गाड़ी खुद ही रुकेगी, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये बस आपकी कन्वीनियंस और एनहेंस कर रहा है, राइट। तो इसको इसी इंटेंशन से देखना। अब सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, हमें यहाँ पे DIS पे जाना है। DIS में आप यहाँ पे देख सकते हो ड्राइवर असिस्ट, तो इसी थीम पे आपको रहना है। तो यहाँ पे इसे एंटर करते हैं एक बार, तो ये आ गया। मेक श्योर कि जब भी एडास का यूज़ करो तो यहाँ पे ड्राइवर असिस्ट पे ही आपको विंडो पे रहना है। दूसरा, इसका इंफोटेनमेंट, आप इंफोटेनमेंट पे आप ये चेक करो कि एडास की सेटिंग सारी की सारी ऑन है या नहीं। तो इसके लिए आप मेन स्क्रीन पे गए, यहाँ पे आओ सेटिंग्स पे, सेटिंग्स में आके ड्राइवर असिस्टेंस पे गए। अब आप देख लीजिए ये सारी की सारी सेटिंग्स, जितने फीचर्स हैं एडास के, हमें मेक श्योर कि उसे ऑन रखना है। तो जब भी गाड़ी को चलाओ पहले एक बार रीटैली कर लो कि ये सारे फीचर ऑन है या नहीं। अभी सारे के सारे ऑन है, हमने चेक कर लिया। अब हम गाड़ी की टेस्ट ड्राइव शुरू करते हैं, देखते हैं एडास कैसे काम कर रहा है। अभी मैंने क्या किया, आपको और बेटर तरीके से दिखाने के लिए ना, मैं यहाँ पे पीछे सेकंड रो पे बैठा हूँ, सो डैट जो भी गाड़ी यहाँ पे चला रहे हैं ना, वो सिर्फ गाड़ी पे फोकस करेंगे चलाने पे, और मैं आपको दिखाऊंगा कि गाड़ी में बिहेवियर चेंज क्या हो रहा है जब एडास का हम लोग यूज़ कर रहे हैं। तो अब बात करते हैं फॉरवर्ड कलोजन वार्निंग की। इसमें होगा क्या, हमारे आगे कोई भी अगर ऑब्जेक्ट आएगा, जैसे हम लोग अभी नॉर्मल गाड़ी चला रहे हैं, मे भी हो सकता है कि चलते चलते ड्राइवर को नींद आ जाए। देखो रिडार ने डिटेक्ट किया, ये देख सकते हैं परफेक्ट है। तो भाई ये क्या हुआ, ये हुआ यहाँ पे फॉरवर्ड कलोजन वार्निंग। तो यहाँ पे आपने देखा था कि यहाँ पे सिंबल आएगा फॉरवर्ड कलोजन वार्निंग का, इसके साथ साथ ब्रेक अभी खुद से नहीं मारा, ये ऑटोनॉमस इमरजेंसी ब्रेकिंग सिस्टम काम किया है जिसने खुद ब खुद ब्रेक मारा है। तो एक ये प्लस पॉइंट है जो कि हमने यहाँ पे देखा। तो भाई अब बात करते हैं हम डोर ओपन अलर्ट की। ये जो एडास का फीचर है ना, इसमें क्या हुआ, गाड़ी आपने रोकी है और सडनली आपने अगर मान लो ये दरवाजा खोला, तो क्या हो रहा है आप यहाँ पे देख रहे हो, ये दरवाजा यहाँ पे अगर हमने हल्का सा खोला, जैसे ये मैंने दरवाजा आपके लिए हल्का सा खोल के रखा है, तो होगा क्या, सबसे पहले ORVM से इंडिकेशन आएगा, दूसरा यहाँ पे सिंबल देखो ये आ रहा है, ये देखिए, तो ये कुछ इस तरीके से हमें यहाँ पे अलर्ट देगा। तो ये फीचर हुआ। तो भाई अब नेक्स्ट फीचर की बात करते हैं, लेन डिपार्चर वार्निंग। सबसे पहले आप देखिए ये DIS पे, ये आप देख रहे हैं ग्रीन कलर का जो ये सिंबल हुआ है, ये कुछ ऑन होगा जब लेन डिपार्चर वार्निंग ऑन होगा ना। तो ये यहाँ पे आप देखो ग्रीन कलर, मतलब ये सिंबल अभी एक्टिवेट है,
जैसे ये लाइन से बाहर जा रहे हैं, आप ये देख पा रहे हैं, तो रेड कलर का यहाँ पे इंडिकेशन आ रहा है। तो ये कुछ इस तरह लेन चेंज अलर्ट में क्या रहेगा, जो स्टेयरिंग आपने राइट काटा है, तो अगर इन केस कोई गाड़ी यहाँ से पास हो रही होगी ना, तो ये जो ब्लाइंड स्पॉट डिटेक्शन था ये यहाँ पे ग्लो करेगा, प्लस एक वार्निंग देगा। तो इससे फ़ायदा क्या हो रहा है, ये मेरे को ये दिखा रहा है कि भाई अब मेरे को ओवरटेक नहीं करना है, करेक्ट है। तो ये फीचर्स के साथ ये यहाँ पे गाड़ी हमें देखने को मिल रही है। दूसरा रह गया हाई बीम असिस्ट। हाई बीम असिस्ट बेसिकली रात को काम करेगा, आपने देखा गाड़ी में प्रोजेक्टर लैंप्स है। तो होगा क्या, इन केस हम सिंगल लेन पे चल रहे हैं जहाँ पे अपोजिट साइड से एक गाड़ी आ रही है तो उसकी भी लाइट ऑन है, ऐसे केस में क्या है, अगर हम हाई बीम पे हमने टाटा सफारी को रखा हुआ है ना, तो सामने वाले ड्राइवर की आंखों पे ना बहुत ज़्यादा इसका ग्लेयर आएगा लाइट का। तो हाई बीम असिस्ट क्या करेगा, सिंपली हाई बीम से लो बीम पे गाड़ी को कर देगा। तो बात करते हैं हम लोग यहाँ पे ब्लाइंड स्पॉट डिटेक्शन की। जैसा कि ये गाड़ी चल रही है, कोई भी अगर यहाँ पे हमें ओवरटेक करेगा तो यहाँ पे शीशे पे वार्निंग आ जाएगी, जैसे कि ये आ रही है यहाँ पे, आप देख सकते हैं हम। तो अभी इसको गाड़ी को हम लोग बोलेरो नियो ओवरटेक करते हैं, दैट्स इट, ये देख सकते हैं। तो ये हुआ सेकंड यहाँ पे। तो इससे फ़ायदा क्या हो रहा है, ड्राइवर जब भी अगर लेन चेंज करेगा या राइट या लेफ्ट करेगा तो जो भी कोई गाड़ी ओवरटेक कर रही है ना, वो यहाँ पे मिरर पे आ जाएगी। तो देखो जैसे ये गाड़ी फिर से बोलेरो नियो ओवरटेक कर रही है, तो ये प्लस पॉइंट रहेगा। तो यहाँ पे हमने एडास के लगभग सारे फीचर्स देख लिए। सो इस वीडियो को एंड करते हैं, दैट्स ऑल फॉर माय साइड, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मैं हूँ संजय सक्सेना। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो भाई इसको लाइक करो, प्लस मेरे चैनल पे अगर नए हो तो इसको सब्सक्राइब करो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।